पंजाब के साथ पूरा देश वैसाखी का त्यौहार मना रहा है, कोई घर पंजाब के साथ पूरा देश वैसाखी का त्यौहार मना रहा है, कोई गुरु घर में जाकर अपना शीश निवाकर परमात्मा का आशीर्वाद हासिल कर रहा है, तो कोई नए अमृतसर के जलियांवाले बाग में वहाँ पर मारे गए बेकसूर लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। छोटी सी कला के रास्ते उन्होंने लोगों को संदेश दिया है कि अमृत पान कर गुरु वाला बनाना चाहिए। इस कला को तैयार करने के लिए सरदार गुरप्रीत सिंह को 3 से 4 दिन लगे तथा इस कला को जलियांवाले बाग का और 5 निशान साहिब तथा 1 खंडा तैयार किया गया है। उनके मुताबिक इसमें दुनिया की सबसे छोटी दस्तार भी बनाई गई है जो कि कागज की है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दास गुरप्रीत सिंह पेपर आर्टिस्ट, देशां विदेशों के वसदी समूह साध संगत को खास स्थापना दिवस के मौके पर सब तो पहला लख लख बधाई देना हाँ। अते इस दे नाल ही अपनी कला दे राही दुनिया की सब तो छोटी जो दस्तार है पग, वो अपनी कला राही सब संगतां दे सन्मुख विसाखी दीआं वधाईआं दिंदिआं होइआं इह बणाई है। उस दे नाल ही सारी कौम नूं जिथे जिथे भी सिख वसदा है, यह संदेश है कि अमृत छको सिंह सजो गुरु वाले बणीए, नशिआं तों रहत हो के असीं चंगी एक कम्यूनिटी बनाईए। इस तों इलावा भी दास काफ़ी सारे धार्मिक स्थानों के मॉडल जिवें सचखंड श्री हरिमंदर साहब, पंजा साहब, श्री ननकाणा साहब जी के मॉडल, श्री अकाल तख्त साहब जी के मॉडल अते होर भी कई सारे धार्मिक स्थानों के मॉडल बना चुके हैं। तो काफ़ी सारे नैशनल ते वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आप अचीव किए हैं गुरु रामदास पातशाह जी की कृपा सदका। अज खालसा स्थापना दिवस के मौके पर भी आप दस्तार बना के पूरी कौम को संदेश दिता है कि टर्बन इज क्राउन फॉर सिख्स, जो सिख लिए जो दस्तार है ताज के रूप के गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने सानू बख्शी है, इसका असं सत्कार करिए, अदब करिए, तो इस तों सेध लैंदिया होया असीं गुरु वाले बन के अमृत छकीए सिंह सजिए। तकरीबन पिछले 17 सालों तो दास ये कार्य कर रहा है। काफ़ी सारे दुनिया के 7 अजूबों के मॉडल जिथे बनाए ने उत्थे वख वख धर्मां तों भी रिलेटेड आपां मॉडल बना चुके हाँ। तो काफ़ी सारे देशों के विच धार्मिक स्थानों के मॉडलों की कला की प्रदर्शनी ला के भी संगतां नूं निहाल किया है। इस तरह गुरु रामदास पातशाह कृपा करन कि इस तरह सिर ते मेहर पर हाथ रख के इस तरह धार्मिक कार्य करवाउंदे रहन ताकि अपनी कला राही पंथ नूं कोई नवा नवा संदेश दिंदे रहिए।